तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स का डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक इस प्रकार की लेस ली है। ये लेस दोस्तों मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर एक काले कपड़े की पट्टी ली हुई है जिसपे पेपर फिनिशिंग चिपका के क्वार्टर क्वार्टर इंच दोनों तरफ से प्रेस की मदद से फोल्ड कर दिया है और इसकी जो चौड़ाई कम्प्लीट तैयार हुई है वो हुई है 1 इंच। इसी तरीके से हमने 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। उसके बाद हमने ली है एक गोटा पट्टी जो कि हम अपनी स्लीव्स में यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो स्लीव्स है बहुत ही अच्छी खूबसूरत तैयार होगी। और दोस्तों एक चीज़ और, जो हम ये डिज़ाइन आस्तीन में बना रहे हैं, आप अगर दामन में भी बनाते हैं कुर्ती के, तो ये डिज़ाइन आस्तीन में भी और दामन में भी दोनों तरफ बहुत ही सूटेबल रहेगा, मतलब कि बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ले लेनी है ये वाली लेस और अपनी स्लीव्स। स्लीव्स में हमने आधा इंच का मार्जिन आगे की तरफ दिया हुआ है, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिया है, सिर्फ आधा इंच का। ऐसे करके स्लीव्स को खोलेंगे, ये स्लीव्स का सीधा भाग है और सीधे भाग को ही ऐसे करके आधा इंच जो हमने मार्जिन दिया वो ऐसे पकड़ेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करके। इधर भी ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड करके पकड़ेंगे और इस पर नाखून ऐसे करके लगा लेंगे। दोस्तों हम ये जो स्लीव्स का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन के कपड़े पर बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी प्रकार के कपड़े पर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, क्योंकि हर तरीके से अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। इसके बाद हम लेंगे अपनी ये वाली लेस। इस लेस को सबसे पहले ऐसे करके स्लीव्स के अंदर ऐसे दबाएंगे और ऊपर से किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर सिंगल लेस इस प्रकार से लगा दी है और लगाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं कितना बेहतरीन आ गया है। ये देखिए, लेस लगने के बाद आपकी जो स्लीव है उसमें कितनी खूबसूरती आ गई है। इसके बाद आपको लेनी है अपनी एक गोटा पट्टी। गोटा पट्टी को ऐसे रखना है, इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। तो गाइस यहाँ पर हमने गोटा पट्टी भी लगा दी है। अब इसके बाद हमने यूज़ करनी है अपनी एक काली वाली पट्टी जो कि हमने पलटकर बनाई हुई थी और इसकी चौड़ाई हमने आपको पहले ही बता दी है। इसको ऐसे सेट करेंगे यहाँ पर कि आधा इंच का गैप जो आपने ये लेस लगाई है उससे आधा इंच का गैप तैयार रहे। तो इसके लिए हमें मशीन में अपनी काला धागा भी लगाना होगा और फिर उसके बाद इस पर आपको सिलाई लगानी है, पहले इधर की साइड और फिर इधर की साइड। फिर इसके बाद लेनी है आपको अपनी दूसरी वाली पट्टी, ये है। इसकी जो गैपिंग रखनी है उतनी रखनी है आपने, जितनी चौड़ी आपकी पट्टी है उसके बीच की गैपिंग इतनी ही कर दें। और अब इसके बाद दोस्तों आपको लेनी है अपनी गोटा पट्टी। गोटा पट्टी को कैसे लगाएंगे, जो ही आपने ये वाली पट्टी लगाई है इस पट्टी से आधा इंच ऊपर की तरफ को ऐसे करके करते हुए सिलाई लगा देंगे। इसके बाद एक और गोटा पट्टी रखनी है, उसका भी गैप आधा इंच का ही रखना है ऐसे। तो ये लग गई हमारी गोटा पट्टी। इसके बाद जैसे हमने अपनी आस्तीन में सबसे आगे की तरफ जो लेस लगाई है उस लेस को लेंगे, ये है लेस। यहाँ पर जो हमने काली पट्टी लगाई है इसके बीच में इस तरह सेट करके सिलाई से इसको लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो दूसरी वाली पट्टी है इसके ऊपर भी बीच सेंटर में ऐसे लेस को सेट करना है और सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देना है। तो देखिए गाइस, ये कितना बेहतरीन डिज़ाइन आपका बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से बंद करके इसकी जो कंप्लीट स्लीव्स है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, ये है हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक। इसी तरीके से दोस्तों आप इस लुक को, मतलब कि इस डिज़ाइन को कुर्ती के दामन में भी बना सकते हैं,
और ये हर तरीके से सूटेबल है। तो उम्मीद करते हैं आपको भी ये हमारा बाजू का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।